Ashif Tech present. Please like and subscribe. सो हे गाइस, यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरफ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लाइट मोशन में आने के बाद प्लस पे क्लिक करना, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 का साइज में। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपको अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड फोटो को अच्छे से एडजस्ट करके ऊपर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक कर देना है। फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट कर देना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है। फोटो को सेव कर देना है। इसी प्रकार से आपको जो अपनी फोटो को क्रॉप कर करके सेव करते रहना है। तो अब आप पूछोगे कि आपको कितना फोटो क्रॉप करना है, तो आप यहाँ पे जो है 15 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना, मैंने पहले से फोटो क्रॉप करके रखा हुआ है। ओके, आप फोटो क्रॉप कर लेना। फिर आपको बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओके, सो फिर आपको सिलेक्ट करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है योर फोटो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट मीडिया करना है, ऊपर आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है। आपने जो फोटो क्रॉप किया उसको सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर सिलेक्ट करके आगे जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है 5 सेकंड पे। ये देखो, ये राउंडेड रेक्टेंगल लिखा हुआ है तीनों लेयर में, इसमें आपको फोटो ऐड नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको आगे आ जाना है, ये वाला लेयर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके सिलेक्ट मीडिया करना है। सेकंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। फिर आपको सेम इसी प्रकार से आपको फोटो को ऐड करते रहना और फोटो को यहाँ पे जो चेंज करते रहना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से फोटो को, मतलब जो अपना नेक्स्ट लेयर अलग अलग लेयर में आपको फोटो को चेंज करते रहना है। ओके, तो लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके सिलेक्ट मीडिया करना है। नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सभी लेयर्स में अलग अलग फोटो को ऐड करना है। तो यहाँ पे 14 से 15 फोटो को, मतलब 14 से 15 फोटो लगेगा, तो आप जो यहाँ पे ऐड कर लेना जितना ही फोटो लगता है, तो 15 से ऊपर नहीं लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप जो अपनी फोटो को ऐड कर लेना जो अभी अपने क्रॉप करके यहाँ पे लाया है। तो सेम प्रोसेस है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपसे जो है, मतलब आप जो अपनी सभी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। तो आई होप कि आपको जो समझ में आ गया है गाइस, यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो इतना तो कर ही सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से फोटो ऐड कर लेना, फिर शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।